हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के रिवॉल्ट की। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में जो भी लिखो आपको अगर क्लियरली नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता भी जाऊँगा। आप साथ में नोट्स अगर बनाने होंगे तो आने वाले दिन में आप नोट्स पर बना लेना, बट आज सिर्फ कहानी सुनना, कहानी क्या रहने वाली है। 1857 के रिवॉल्ट की बात करें, इसे हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, एक पार्ट इसका और रहने वाला है। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ की बात करें, से पहले भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन हिस्ट्री के नाम से। वहाँ पर हालांकि हिस्ट्री तो हम कम्प्लीट करवा चुके हैं, हम एक दूसरी बार फिर से हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे मॉडर्न इंडिया से हमने स्टार्ट करा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, आप इसे पहले वाले लेक्चर जाके देख सकते हो। आज जो पार्ट रहने वाला है ये काफ़ी हद तक स्टैटिक रहने वाला है। 1856 से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली वो इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे याद करने वाला टॉपिक रहने वाला, तो पहले समझ लो, उसके बाद जब नोट्स बनाने होंगे नोट्स आप बना लेना। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 1857 के रिवॉल्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कई बार पीएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है कि 1857 के ऊपर, रिवॉल्ट के ऊपर ना कुछ बुक्स लिखी गई हैं, वो बुक्स किसने लिखी हैं, कुछ ओपिनियन दिए थे बड़े बड़े लोगों ने, तो ये ओपिनियन किसने दिया था, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था, वो प्राइम मिनिस्टर कौन था, इस तरह की बात भी पूछी जाती है, और उसके मेन मेन रीजंस क्या थे वो भी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन से बुक्स यहाँ पर लिखी गई हैं 1857 रिवॉल्ट के ऊपर। हालांकि लिखी तो कई सारी गई हैं, पांच यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं और कॉमन बुक्स रहती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। ये मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ये लिखे थे कार्ल मार्क्स ने। अब ये कैसे सिंपली याद रखना, देखो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, 1857 से 1859 टाइम पीरियड भी दे दी है, यानी कि एक ऐसा बंदा है ये जिसने वो बुक लिखी है जिसने एक डिटेल भी बता दी और ईयर भी बता दिया, तो इस बंदे को हमें अच्छे मार्क्स देने होंगे, अच्छे मार्क्स से पास करना होगा। क्यों? क्योंकि डिटेल में सब कुछ बताया ना, तो मार्क्स याद रखना कि अच्छे मार्क्स हमने इस बंदे को देने, कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी थी। तो आपको याद रहेगा आज के बाद कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो बुक है 1857 से 1859 किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, अच्छे मार्क्स देने। आगे चलते हैं, एक बुक हमारे पास लिखी गई थी सिर्फ 1857 जिसका नाम रखा गया था, यह बुक किसने लिखी है, एस एन सेन ने यह बुक लिखी है 1857 वाली। अब ये कैसे याद रखोगे, सिर्फ 1857, बाकी सबने जो भी नाम लिखे बड़े बड़े नाम लिखे हुए इन्होंने सिर्फ 1857 लिख के तो यहाँ पे बुक पब्लिश कर दी थी। अब ये कैसे याद रखना नाम एस एन सेन, आप सेन का ना साइन बना सकते हो, साइन करना, तो साइन शॉर्टकट में होते हैं, छोटे साइन होते हैं, तो शॉर्टकट में बुक लिख दी 1857, ज़्यादा बड़ा कुछ लिखा ही नहीं है, टाइटल छोटा सा दे दिया, यानी कि साइन कर दिए, तो साइन से सेन याद रखना, बाकी आपकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी आप याद रखो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं द सिपाही म्यूटिनी एंड रिबिलियन ऑफ 1857, ये किसने लिखी, आर सी मजुमदार ने लिखी। अब ये कैसे याद रख सकते हो, ये सिपाही म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब विद्रोह करना, यहाँ पे सिपाहियों ने विद्रोह कर लिया था, द सिपाही म्यूटिनी, इस तरह की बुक किसने लिखी थी, आर सी मजुमदार ने। एक तरफ तो सिपाहियों ने म्यूटिनी विद्रोह कर दिया और दूसरी तरफ तुम मजे से बुक लिख रहे हो, इस तरह से याद रख सकते हो, मजुमदार में मजा आ रहा है ना, मजा इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक तरफ सिपाही म्यूटिनी कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम मजे से बुक लिख रहे हो, ऐसे करके आर सी मजुमदार आप याद रख लेना। एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बस आपको वर्ड्स पहचानने और आपको टिक वहाँ पे कर देना है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी के सभी बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए। आगे चल लेते हैं, और सिंपल सा फंडा, ये ट्रिक नहीं भी याद रखनी ना तो चार पांच बार इनको पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा, जरूरी ट्रिक आपको हर जगह चाहिए होती है, इन बुक्स को दो तीन बार पढ़ोगे अपने आप दिमाग में बात बैठ जाएगी, सब कुछ याद रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ये बुक किसने लिखी, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट वाली, सैयद अहमद खान ने। अब यहाँ पर क्या है, कॉजेज क्या थे इंडियन रिवॉल्ट के, सही सही बताना, सही सही बताना मुझे, तो सैयद में सही देखने को मिल रहा है ना, तो सही सही बताना कि कॉजेज क्या थे इंडियन रिवॉल्ट, क्यों हुआ था, सही सही मुझे बताना, जैसे सैयद आप याद रख लेना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। और क्या हमारे पास, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखी, वीर डी सावरकर ने। अब ये नाम ट्रिक क्यों नहीं बता रहा इसको, वैसे आपको याद रखना है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्या थी, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ईयर भी मेंशन था, वो किसने लिखी हमने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, अच्छे मार्क्स दो। ये कौन सी बुक है, यहाँ पे सिंपली लिखा गया है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये बुक किसने लिखी है, ये लिखे वी डी सावरकर। अब ये कैसे याद रखोगे, देखो वी डी सावरकर जो येला पॉइंट है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में पीएससी में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी वीडियो और क्वेश्चन आए हुए ये वाले,
कि ये किसने कहा था कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये 1857 का रिवॉल्ट है, ये पहली लड़ाई है इंडिया वालों की आज़ादी की, ये पहली लड़ाई आज़ादी की किसने कहा था पहली बार, ये वी डी सावरकर ने कहा था। तो वी डी सावरकर ने बुक भी कौन सी लिखी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और पहली बार भी इन्होंने कहा था कि ये फर्स्ट वॉर है इंडिया की आज़ादी की, इंडिया की पहली लड़ाई है, ऐसा किसने कहा था, ये भी वी डी सावरकर ने कहा था। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बुक यहाँ पर और है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब पॉवर्टी है, गरीबी है, तो गरीबी पुराने समय से चली आ रही है, यानी कि दादा के टाइम से पुराने समय से चली आ रही है। तो यहाँ से याद रखना, दादा भाई नौरोजी ये वाली बुक लिखी थी। मुझे उम्मीद है जो जो बुक्स आपको मैंने बताई इंपॉर्टेंट वो आपको समझ आएगी, कौन सी बुक किसने लिखी है, यह आपको क्लियर हो रहा होगा। शॉर्ट में रिविजन कर देता हूँ, जब पूरा नाम भी दे दिया, टाइम पीरियड भी दे दिया, अच्छे मार्क्स दे दो, कार्ल मार्क्स आ गया, जब शॉर्ट में 1857 लिख दिया, शॉर्ट में साइन कर दिए, तो एस एन सेन याद रखना, सिपाही म्यूटी नहीं कर रहे हो तो मजे कर रहे हो, आरसी मजुमदार आ गया, कॉजेज क्या थे इंडियन रिवॉल्ट के, सही सही बताना, सैयद यहाँ पर आ गया। फिर आपको बताया इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर, जिन्होंने पहली बार कहा था, जिन्होंने कहा था ये पहली लड़ाई है आज़ादी की, तो वी डी सावरकर याद रखना है। और पॉवर्टी पुराने समय से चली आ रही है, तो दादा के समय से चली आ रही है, दादा भाई नौरोजी, इस तरह से याद रखना। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। हम इस वीडियो में हमेशा की तरह यहाँ पर भी 3000 लाइक्स का टारगेट रख के चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे, हालांकि 3000 आपको दिखा नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास फेमस जो बुक्स थी, ठीक है, हालांकि शॉर्ट में लिखा हुआ क्यों, क्योंकि आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो बार बार लिखना, इरेज करना टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, एडिटिंग में भी टाइम लगता है, तो इसलिए एक ही बार व्हाइट बोर्ड में सब कुछ लिख दिया हुआ है। ऐसे मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा, वीडियो और बड़ी बन जाएगी अगर मैं एक एक करके बुक का नाम लिखूं, फिर किसने वो बुक लिखी है, ऐसे अगर 6 नाम लिखना स्टार्ट कर देता। जो वीडियो आपके सामने 20-25 मिनट की आ रही है, यही वीडियो आपके सामने 40-50 मिनट की आती है, और को थोड़ा बोरिंग सा भी लगता, और कई बच्चे तो वीडियो की ड्यूरेशन देख के वीडियो ना देखते, तो इसीलिए मैं पहले व्हाइट बोर्ड में लिख देता हूँ, ताकि आपको भी अगर नोट्स बनाने तो ईजी बन जाएगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब कुछ फेमस ओपिनियंस थे वो हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ फेमस व्यूज थे 1857 के रिवॉल्ट को लेके, जहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें रेशियल स्ट्रगल या ब्लैक वाइट स्ट्रगल, ये किसने कहा था पहली बार इस 1857 के रिवॉल्ट के लिए, ये कहा था मिडले ने। मेडले ने क्या कहा था, ये रेशियल स्ट्रगल है, यानी कि ब्लैक और व्हाइट का स्ट्रगल है, आप समझ, अंग्रेज और भारतीयों का स्ट्रगल, इस तरह से कहा गया था। किसने कहा था ये, मेडले ने कहा था, कोई मिडिल मैन था, मैड है ना, मैड या मैड था, कोई पागल था, ऐसे याद रख लेना, जो ये ब्लैक व्हाइट वाली बातें करे, रेशियल बातें करे, कोई मैड इंसान था, पागल इंसान था, ऐसे मिडले याद रख लेना, ठीक है। एक ये बुक हो गई, एक ये ओपिनियन हो गया। एक था रिलीजियस स्ट्रगल, एक बंदे ने इसको नाम दिया था ये रिलीजियस स्ट्रगल है, या फिर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी स्ट्रगल है, रिलीजियस नाम दे दिया। किसने था, रईस याद ना, कोई अमीर इंसान था जिसने ये मतलब धर्म में बांटने की कोशिश की, कोई रईस इंसान था जिसने धर्म में बांटने की कोशिश की, इस तरह से याद रख सकते हो, जैसे मर्जी आप याद रखो। उसके बाद क्या है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको पहले बता दिया आज़ादी की पहली लड़ाई है ये, किसने कहा था, वी डी सावरकर ने कहा था, तो ये आपको याद रखने की ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। और एक था सिविलाइजेशन बारबरिज्म कन्फ्लिक्ट, ये किसने कहा था, टी आर होम्स ने कहा था, शेरलॉक होम्स से ये याद रखना कि किसने कहा था, सिविलाइजेशन बारबरिज्म कन्फ्लिक्ट ये रह रहा है, तो ये किसने कहा था, टी आर होम्स ने कहा था। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज जो आपसे डिस्कस किए, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में बोरिंग नहीं लग रहा होगा, थोड़ा मजा तो आ ही रहा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टडी हम देखते हैं और कल के पार्ट को खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था उस टाइम पीरियड पे इंडिया में कौन क्या था, ब्रिटेन में कौन क्या था, वो सब डिस्कस कर लेते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, उस टाइम पीरियड पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि कोई लालची था जो उस टाइम पे 1857 के रिवॉल्ट पे यहाँ पे गवर्नर जनरल बनकर बैठा हुआ था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो तकरीबन मतलब जैसे मैं बात करूँगा एसएससी रेलवे जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ से बड़ी बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, जो लॉर्ड कैनिंग की हम बात करें, 1857 का रिवॉल्ट था तब गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उस टाइम पीरियड पर इंडिया में मुगल एम्पायर कौन था, वो बहादुर शाह जफर था, और लास्ट मुगल एम्पायर भी आ गया बहादुर शाह जफर, इसके बाद खत्म हो गया था सब कुछ, तो लास्ट मुगल एम्पायर बोलो या 1857 के टाइम पे जो मुगल एम्पायर था वो कौन था, मतलब बहादुर शाह जफर, यानी कि लास्ट में कोई बहादुर इंसान था टिका हुआ था लास्ट तक, ठीक है, लास्ट में कोई बहादुर इंसान था जो टिका हुआ था, तो यहाँ से याद रखना बहादुर शाह जफर, ऐसे याद रख लेना। और आर्मी चीफ कौन था, बख्त खान था, कोई बख्त था इंडिया का जो कि उस टाइम आर्मी का चीफ था 1857 के रिवॉल्ट में, तो आर्मी का चीफ कौन था, बख्त खान था। आगे चल लेते हैं, उस टाइम पीरियड पर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, जब 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटेन का उस टाइम पे, ये याद रखना पालमर्स्टन, पालमर्स्टन याद रखना, इस तरह से
स्टन या स्टोन, पत्थर दिल इंसान था कोई, स्टोन एंड लास्ट में, इस तरह से याद कर लेना। आगे चलते हैं, ब्रिटेन का क्राउन किसके पास था उस टाइम? ब्रिटिश क्राउन क्वीन विक्टोरिया, ये भी आपको याद रहेगा, तो आसान है, आपने सभी ने सुना ही हो पहले इसके बारे में भी, ये भी याद रहने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है जो कि पीएससी के एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है कि 1857 के रिवॉल्ट का सिंबल क्या था, इसका सिंबल क्या था? तो लोटस एंड चपाती होता है कभी कभी ऑप्शन में, कभी कभी लोटस एंड ब्रेड होता है। चपाती ब्रेड मतलब रोटी के लिए यूज़ करा गया, आप चपाती लिख लो या ब्रेड लिख लो, एक ही बात है, लोटस तो रहने ही वाला है। ये सिंबल था 1857 के रिवॉल्ट का। अब ये सिंबल कैसे था, हुआ क्या था स्टार्टिंग में, एक्चुअली में जो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे जो इंडियन साइड के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, सबको कंबाइन कर, अभी हम कॉजेज पढ़ेंगे कि क्यों 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, बट सब मिलने के लिए, एक साथ होने के लिए क्या कर रहे थे, जैसे आज मेरे घर में चपाती बनी, अब उसमें मैंने कोई निशान वगैरह नहीं लगाया कि ये सिंबल है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो रोटी बना के दूसरे घर में पहुंचा दी, दूसरे घर ने तीसरे में ट्रांसफर कर दी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कई सारी रोटी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो उस रोटी को एक्सेप्ट करके आगे भेज रहा था, इसका मतलब क्या था कि वो गाँव भी, वो जो पूरा गाँव में जहाँ पर रोटी घूमी है, वो जो गाँव रहने वाला, जो एरिया रहने वाला है, वो हमारे साथ है 1857 का जो रिवॉल्ट है, यानी कि जो आने वाले टाइम पर हम अंग्रेजों से लड़ाई करने वाले हैं, ये हमारे साइड में, हम मिलकर लड़ेंगे। तो इस तरह से जब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वहाँ पे, उन्होंने देखा, जो वहाँ पे जज वगैरह थे, उनको भी जब बात पहुँची, बात दिमाग में पहुँची, तो उन्होंने देखा कि ये चक्कर क्या, मतलब ये क्यों इतनी रोटी वगैरह घुमाई जा रहे हैं, इतना तो नहीं पता था कि रिवॉल्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इतना पता था कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है, जो इतनी सारी रोटियाँ जो सर्कुलेट हो रही हैं और उसमें कुछ निशान वगैरह भी नहीं जो हम उनको पकड़ पाएंगे, क्या कहाँ से रोटी वगैरह बन के आई, क्या रीज़न है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना कन्फर्म था कुछ ना कुछ होने जा रहा है। उसी तरह से कहीं कहीं कहा जाता है, जैसे रोटी की हम बात कर रहे हैं, लोटस भी इस तरह से स्प्रेड करे जा रहे थे और स्लोगन दिए जाते, सब कुछ लाल होने वाला है, इस तरह की बातें वहाँ पर फैल रही थी। तो सिंपल आपको याद रखना कि सिंबल क्या था 1857 के रिवॉल्ट का, लोटस एंड चपाती, लोटस एंड ब्रेड जो है, ये सिंबल था 1857 के रिवॉल्ट का। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं इसके कारण क्या थे, 1857 का रिवॉल्ट हुआ क्यों था, ये आपको याद रखना है। इसे 100 साल पहले 1757 का रिवॉल्ट था, बैटल ऑफ प्लासे हम पढ़ चुके हैं, फिर बैटल ऑफ बक्सर वगैरह वो सब पढ़ चुके थे। अब हम चलते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ, कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री कारण क्या था, और सबसे जो स्टार्टिंग कारण था कि लड़ाई स्टार्ट क्यों हुई थी, वो मेन इसी के बाद जो लड़ाई स्टार्ट हो गई थी मिलिट्री कॉज के कारण। मिलिट्री कॉज में क्या था, एक तो यह था कि डिस्क्रिमिनेशन था। अब ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें ज़्यादा जो सोल्जर्स होते थे वो इंडियन, हमारे इंडियन साइड के होते थे, और अंग्रेज़ों के भी कुछ अपने होते थे, लेकिन काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। जैसे कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, सेम काम उनका भी था, ब्रिटिश वालों को भी था, हमारा भी था, लेकिन मतलब सेम रूल्स उनके लिए भी होने चाहिए, हमारे लिए भी होने चाहिए थे, लेकिन हमारे इंडियंस जो थे उनको एक्स्ट्रा वहाँ पर वर्क करना पड़ता था, जहाँ पर उनके घर रहते थे उनको काफ़ी वहाँ से दूर काफ़ी ट्रांसफ़र करके वहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ती थी, घर के घर में भी ना पाते थे और एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ता था, और एक्स्ट्रा काम करने के बाद भी उनकी जो सैलरी है वो कम रहती थी, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी झेलना पड़ता था। इस तरह के कुछ कारण पहले से दिमाग में चल रहे थे। और इससे पहले क्या हुआ था, ये 1857 की बात करें ना, 1806 में भी क्या कर देता है, एक रिवॉल्ट हुआ था, आर्मी ने रिवॉल्ट करा था। उस टाइम पे क्या होता है 1806 में, कि अंग्रेजों ने क्या करते थे, जैसे हमारे इंडियंस टर्बन पहनते थे, वो तिलक वगैरह लगाते थे, उन्होंने रूल निकाल दिया कि आज के बाद हमारी आर्मी में, पुलिस में ये सब नहीं चलने वाला है, आपको सिंपल हम हैट वगैरह देंगे, और हैट जो लेदर की थी, और ऑब्वियसली बात है हिंदू लोग जो लेदर को यूज़ नहीं करते वहाँ पे, मतलब उसको सही नहीं माना जाता था, तो वो उसको मना कर रहे थे। तो ये स्टार्टिंग में रिवॉल्ट तो हो चुका था, वो भी बात दिमाग में थी, अब ये सब कुछ भी चल रहा था। और सबसे बड़ा कारण क्या क्या, उस टाइम पर नई नई इनफील्ड राइफल्स आई थी, और इनफील्ड राइफल्स का यह था कि जो कार्ट्रिज थे ना इसकी, उसमें ग्रीस करी होती थी, मतलब उसमें ना जैसे लेप लगाया होता था, कि इसका माना जाता था, कहा जाता था उस टाइम पे, एक तो हमारा जो गाय की बात करें उसके मांस को यूज़ किया जाता था, और पिग सूअर की बात करें उसके मांस को यूज़ किया जाता था। अब इसे क्या था, हिंदू चाहे मुस्लिम दोनों की जो भावनाएँ जो थी, वो दोनों की जो फीलिंग्स थी उनको हर्ट करा गया था इस सेंटिमेंट के द्वारा, और उनको कहा गया था कि आपको जब ये यूज़ करना है तो इसको दांतों से खींचना है, इसको चर्बी को निकालना पड़ेगा, तो सबके लिए बड़ी बेकार सी बात है ये वाली। ये सबसे बड़ा कारण था जो कि उसी टाइम पीरियड पे जो रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था वो इनफील्ड राइफल्स वाला था, उसकी कार्ट्रिजेस जो थी वो मेन रीज़न थी। हालांकि ये बातें पहले चल रही थी, ये बात भी दिमाग में थी, अब जब ये भी सामने आ गया तो हिंदू मुस्लिम जो है दोनों साथ में एक साथ में हो गए अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। और कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं ये आखिरी लड़ाई थी जब हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ में मिलकर लड़े थे, ऐसा भी कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। ये तो क्या मिलिट्री कारण क्या थे। अब हम एक चीज़ आप याद रखना कि जो हमने 1857 के रिवॉल्ट की बात करी ना, ये स्टार्टिंग में प्लानिंग करी गई थी इसकी, लेकिन बाद में बिना प्लानिंग के चल गया था काम। ये अजीमुल्ला खान और रानोजी बापू की बात करें, उस टाइम लंदन में थे, इन्होंने प्लानिंग करी थी हम रिवॉल्ट करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, लंदन में बैठे बैठे प्लानिंग की थी, और डेडलाइन सेट की थी 31 मई से हम जो है वो रिवॉल्ट स्टार्ट करेंगे, विद्रोह स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये उस डेट पर नहीं हो पाया था,
प्री प्लान जो प्लानिंग करी गई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाया था, कुछ ऐसे कंडीशन जिसके कारण क्या हुआ हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। 10 मई को ही जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हो गया था, जो डिसाइड कर गया था उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था, लेकिन हाँ रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था 10 मई को स्टार्ट हो गया था। इतना क्लियर हो गया, ये हो गया मिलिट्री कारण। एक पॉलिटिकल कारण भी था। पॉलिटिकल क्या था, देखो 1848 में हमने कल की वीडियो में देखा था एंग्लो सिख वॉर पड़ा था, जो सेकंड सिख वॉर हुई थी 1848 में क्या हुआ था, महाराजा दुलीप सिंह पे अटैक करा गया था और वहाँ पर क्या हुआ था उनको हरा दिया गया था, वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की बात करें पंजाब पे कब्जा कर लिया था। जब पंजाब पे कब्जा कर लिया 1848 में तो उसके बाद क्या हुआ, दुलीप सिंह महाराजा दुलीप सिंह को कहा गया कि आप एक काम करो आप यहाँ से चले जाओ, आप ब्रिटेन वाली साइड चले जाओ, आपको हम पेंशन देते रहेंगे, आप वहाँ पे आराम वगैरह करो, पंजाब अब हमारा सारा हमारा, हम इस पर अपने हिसाब से हुकूमत वगैरह करेंगे, आपके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर भेज देते हैं दुलीप सिंह महाराजा दुलीप सिंह को, और 1848 में उनको वहाँ पर भेज दिया जाता है जब पंजाब अपने कंक्वर कर देते हैं इन्होंने, अंग्रेज़ों की बात करें लॉर्ड डलहौजी की बात करें, और उसके बाद क्या हुआ इनको वहाँ पर भेज दिया पेंशन के तौर पे, तुम्हें पेंशन मिलती है कि तुम अपना आराम वगैरह करो। और आपको पता होगा ना वो कोहिनूर के हीरे की अपनी कहानी सुनी होगी, कोहिनूर का हीरा आपने सुना ही होगा, इसके एक साल के बाद जो है महाराजा दुलीप सिंह ने क्वीन विक्टोरिया थे ना उस टाइम पर हमने कहा क्वीन विक्टोरिया को जो है कोहिनूर का हीरा जो है वो गिफ्ट कर दिया था। एक तो क्या कि दुलीप सिंह की बात करें इन्हें भेज दिया से पंजाब पे एनेक्स कब्जा कर लिया और महाराजा दुलीप सिंह को भेजा ब्रिटेन में कि तुम वहाँ पर पेंशन के तौर पर रहो। उसी तरीके से क्या होता नाना साहिब की बात करें, ये पेशवा बाजीराव की हमने बात की थी लास्ट में मराठा वगैरह देख रहे थे, तो पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उनके अडॉप्टेड सन थे, ठीक है उनके बेटे जो थे अडॉप्टेड सन थे, कौन थे नाना साहिब, इनको भी ऐसे रखा गया था पेंशन के तौर पे कि तुम्हें भी पेंशन वगैरह मिलती जाएगी, टाइम टू टाइम पेंशन मिलती जाएगी तो तुम आराम वगैरह करो, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। ये हो गया। और जब हम लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं टाइम पीरियड क्या रहा था गवर्नर जनरल इसका 1848 से लेके 1856 तक। 1848 में एंट्री होती है गवर्नर जनरल बन क्या होता है जब पंजाब को एनेक्स किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया 1848 से 1856 का टाइम पीरियड था किसका, लॉर्ड डलहौजी की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर था क्या लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी ऐसा प्रिंसली स्टेट है जहाँ पर राजा महाराजा का रूल वगैरह होता है, अगर उनका किसी संतान या कोई बेटा वगैरह नहीं है तो जो उन्होंने बच्चा अडॉप्ट करा होगा ना उसके पास वो स्टेट या उसके पास वो राज्य नहीं जाने वाला, वो सारा का सारा कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अडॉप्टेंट्स इनको कोई राइट नहीं है अपने, जो भी जैसे हमने बात की नाना साहब की बात की पेशवे बाजीराव का अडॉप्टेंट्स था, तो इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने लैब्स के अकॉर्डिंग कोई इसको वो नहीं राइट नहीं है, इनको राइट नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टी पर हक जता सके। अडॉप्टेड सन का राइट खत्म, अगर ऐसी कंडीशन आती है वो सारे का सारा राज्य जो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, डॉक्टर ऑफ लैब्स के अकॉर्डिंग यही था। और उनकी नीति ये थी कि हड़पना है जितने भी प्रोविंसेस प्रांत वगैरह बचे हुए हैं उन सबको भी अपने कंट्रोल में कर लेना है, ईस्ट इंडिया कंट्री के कंट्रोल में ला कर रख देना है, ये इनका मेन पर्पज़ था, उसी मोटो से आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स स्टार्ट कर दिया था। अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के चलते क्या हुआ, पहले सतारा संबलपुर उदयपुर जयपुर नागपुर झांसी बगात अवध ये सारी जगह जो है वो एनेक्स कर दी गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर। आपके पीसी में एक बार क्वेश्चन आया था और एसएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले जो प्रोविंस जहाँ पे कब्जा करा गया था जिसको एनेक्स कर गया था वो कौन सा था, वो सतारा था जो कि महाराष्ट्र में है, ये आगे उड़ीसा में हो गया, इस तरह से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो पहला कौन सा था जिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अकॉर्डिंग जिसपे जिसको एनेक्स करा था लॉर्ड डलहौजी ने, वो था सतारा, ये आपको याद रखना सतारा है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और सबसे लास्ट में 1856 में किस पे कब्जा करा गया था, अवध पे। अवध पे कैसे कब्जा करा गया, कहा गया था कि यहाँ पर जो रूलर वगैरह हैं इसके अकॉर्डिंग ये भी ऐड कर दिया गया इसमें, कोई अगर रूलर हमें ऐसे लगता है जो कि सही नहीं है जो सही से काम वगैरह नहीं कर रहा है तो वो भी उसके खिलाफ उस गद्दी के खिलाफ वो भी नहीं रहने वाला है, वो भी सीट हमारे अंडर आ जाएगी। तो अवध में यही कर दिया गया 1856 में कि तुम सही से काम वगैरह नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा रीजन हमारे अंडर आ जाएगा, तुम यहाँ से बाहर निकलो। अवध पे भी कब्जा कर रहे थे 1856 में। अब इतने सारे जगह को अडॉप्ट कर लिया, वहाँ के लोगों की फीलिंग सेंटीमेंट थे वो सारे गए बाढ़ में कि भाई अडॉप्टेड सन है तो हमें कुछ नहीं करना, तुम निकलो यहाँ से, हमारा प्रोविंस हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये भी ऑब्वियसली बात है, एक रीज़न तो मिलिट्री कारण आ ही गया था, पॉलिटिकल रीज़न भी आपके सामने आ चुका है, पॉलिटिकल रीज़न क्या हो गया था ये भी जो है अंदर अंदर ना छोटे छोटे जो इंसिडेंट है वो मिलकर ना एक बड़ी आग बनते जा रहे थे जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद हम चलते क्या होता सोशल और रिलीजियस कारण क्या था, सोशल कारण क्या थे वो क्या थे वो हम समझ लेते हैं। 1829 की बात करें सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था, किसने ख़त्म करा था, विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की हेल्प से जो है वो सती प्रथा को ख़त्म करा था। अब आपके एग्जाम में ये सती प्रथा को लेकर राजा राम मोहन राय वाला ऑप्शन कम देखने को मिलता है, ये विलियम बेंटिक जैसे ऑप्शन देखने को ज़्यादा मिलते हैं, तो याद रखना सती प्रथा का एबोल्यूशन किसने करा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक में। और कई बार ईयर भी पूछा जाता है 1829 में सती प्रथा को ख़त्म करा गया था। अब चाहे ये चीज़ बेकार है, सती प्रथा बेकार चीज़ थी, लेकिन उस टाइम पर जो वहाँ पर लोग रहा करते थे
उनके लिए ये उनके मतलब धर्म के अंदर वो था कि तुम हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो। और ऑब्वियसली बात आप सभी को पता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जब रिलीजन पे बात आती है ना तो ज़्यादा लोग भड़क उठते हैं। तो सती प्रथा की बात की, ये चाहे अभी के टाइम में मानते हैं गलत चीज़ है लेकिन उस टाइम पर जो लोग थे उनके लिए तो गलत चीज़ नहीं थी, उनके लिए सही थी। यानी कि उनकी धार्मिक जो फीलिंग्स थी उनको भी यहाँ पे हर्ट किया जा रहा था। तो एबोल्यूशन ऑफ सती पहले दिमाग में चल रही थी जो ख़त्म कर दी गई थी। अब क्या हुआ था, 1856 जब लॉर्ड अलोजी आया, विडो रीमैरिज बिल जो प्रेजेंट करा गया था कि जो विडोज़ हैं, विधवा हैं, उनको वापस से शादी का अधिकार मिले, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स ला रहे थे, सामाजिक सुधार भी करने का ट्राई कर रहे थे। अब ये जब बिल प्रेजेंट करा गया था, कौन सा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ये बिल किसने प्रेजेंट करा था, विडो रीमैरिज बिल लॉर्ड डलहौजी ने प्रेजेंट करा था। कब प्रेजेंट करा था, 1856 में प्रेजेंट करा था। और यही बिल जो है कानून भी कब बन गया, 1856 में बिल कानून भी बन गया था। किसके अंडर, लॉर्ड कैनिंग के अंडर। आपको कहा 1857 के रिवॉल्ट में कौन था, लॉर्ड कैनिंग था ना गवर्नर जनरल। प्रेजेंट तो किया था लॉर्ड डलहौजी ने लेकिन बना कौन था उस टाइम, किसके अंडर हुआ था जब ये बिल एक्ट बना था, तब लॉर्ड कैनिंग था वहाँ पे, उसको कंट्रोल था। 1856 में प्रेजेंट करा गया, 1856 में भी एक्ट बन गया था, आपको समझ आ गया। इसको सपोर्ट भी करा था किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अपने नाम सुनो उन्होंने सपोर्ट भी करा था इसको। अब ये था कि विडोज की बात करें, विधवा की बात करें, वापस शादी का अधिकार कैसे मिल गया, ये भी रिलीजन में इंटरफेयर करने वाली बात हो गई, कहा गया, और सेंटिमेंट्स को यहाँ पे भी हर्ट करा गया था। तो यहाँ पर भी अंदर ही अंदर वो बातें आ रही थी सामने कि नहीं, अब तो विद्रोह करने, अब तो रिवॉल्ट करने, कुछ भी हो जाए बदला लेने ही लेना है। तो आपके सामने कारण आपको समझ आ रहे होंगे, मिलिट्री कारण क्या था, पॉलिटिकल रीज़न क्या था, और अब सोशल कारण क्या था, वो भी आपके सामने स्क्रीन में आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी थे, जैसे आपको टैक्सेशन सिस्टम हमने पढ़ा लास्ट की वीडियो में, रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा था, वो कितना खतरनाक टैक्स सिस्टम यहाँ पर लेकर आए थे, वो भी था भाई, जो किसान जो आम इंसान था वो बुरी तरह से मर रहा था टैक्सेशन सिस्टम से, एक ये था। या जो हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे ख़त्म किया जा रहा था, जो हमारे लोकल जो भी था वो सब कुछ ख़त्म कर रहे थे। रेवेन्यू सिस्टम आपको बता दिया, इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करी जा रही थी, ये इकोनॉमिक कारण थे जिसके कारण जो 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हो चुका था। अब आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही इनफ रहने वाला है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल की वीडियो में 1857 के रिवॉल्ट को स्टार्ट कर देंगे और एंड भी कर देंगे, और उसका क्या इफेक्ट निकला वो भी पढ़ लेंगे, और कल की वीडियो में आपका 1857 का रिवॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को शेयर करोगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ भी सजेशन देना चाहते हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और जहाँ तक राइटिंग की बात है, जल्दी हो सकता है हमें अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा, हम व्हाइट बोर्ड वगैरह, व्हाइट बोर्ड की बात करूँ डिजिटल बोर्ड लेने का ट्राई करेंगे, फिर वहाँ पे लेक्चर रहेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहने वाले हैं। बाकी की वीडियो तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट है इंडियन हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पे जाके देख सकते हो। वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल ने यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक जो है वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही है, टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे इंस्टाग्राम की बात करो, फेसबुक पेज की बात करो, वेबसाइट की बात करो, सब कुछ इसी नाम से आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।